अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे राइटिंग। तो राइटिंग के लिए सबसे पहले जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो होते हैं स्काई, ग्रास और रूट लेटर। स्काई, ग्रास, रूट लेटर, सबसे पहले हम जो है वो अपने स्काई लेटर्स पर काम करेंगे। सबसे पहले हम स्काई लेटर सीखेंगे, उसके बाद ग्रास लेटर, देन रूट लेटर। तो स्काई लेटर्स बेसिकली वो होते हैं जो ऊपर की तीन लाइनों में राइट होते हैं। आप सबकी कॉपीज पर, हम सब की कॉपीज पर फोर लाइंस होती हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो जो स्काई लेटर होते हैं वो ऊपर की तीन लाइनों में राइट होते हैं। कहाँ राइट होते हैं? ऊपर की तीन लाइनों में। जो सबसे पहले स्काई लेटर है जो स्टार्ट होता है वो है बी। बी सबसे पहले हमने ऊपर की टॉप की लाइन से, ऊपर की जो हमारी टॉप की लाइन है वहाँ से हमने स्टार्ट करना है थर्ड लाइन, फिर हमने वापस उसको लेकर जाना है और इस लाइन से मिलाना है इस लाइन से, ये हमारा बन गया बी। ऐसे बी बनता है। उसके बाद जो सेकंड हमारा स्काई लेटर है वो है डी। तो डी हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सी लिखेंगे, उसको हम ऐसे ऊपर लेकर जाएंगे, देन डाउन, ये हमारा डी बन गया। पहले हमने यहाँ से, पहले हमने क बनाया, तो हम ऊपर लेकर गए, देन कम डाउन, ये हमारा डी बन गया। उसके बाद जो अगला लेटर है वो है एफ। एफ भी स्काई लेटर है। एफ भी टॉप थ्री लाइंस में राइट होता है। स्काई लेटर जितने भी हैं वो टॉप थ्री लाइंस में राइट होते हैं। जितने भी स्काई लेटर्स हैं वो टॉप थ्री लाइंस में। अभी आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि कितने स्काई लेटर्स हैं। बी, डी, एफ, एच। एच भी टॉप थ्री लाइंस में राइट होता है। एच भी टॉप थ्री लाइंस में राइट होता है। बी, डी, एफ, एच। उसके बाद ए, एल और टी। अब हम काउंट करेंगे कितने स्काई लेटर बनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने स्काई लेटर हैं? 7 स्काई लेटर हैं। कितने स्काई लेटर हैं? 7 हैं। बी, डी, एफ, एच, के, एल, टी। और ये कहाँ राइट होते हैं? ये ऊपर की तीन लाइनों में राइट होते हैं। ऊपर की तीन लाइनों में जितने भी स्काई लेटर हैं वो कहाँ राइट होते हैं? ऊपर की तीन लाइनों में राइट होते हैं। वेरी गुड। अभी हम नेक्स्ट जो सीखेंगे वो है हमारे ग्रास लेटर। ग्रास लेटर, ग्रास लेटर क्या होते हैं? ग्रास लेटर वो होते हैं जो बीच की दो लाइनों में, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 4 लाइंस है ना, 4 लाइंस है। मैंने आपको ऊपर भी समझाया ये 4 लाइंस है, 4 लाइंस है। तो ये ग्रास लेटर जो है वो भी, अभी हम 4 लाइंस में बीच की दो लाइनों में, जो बीच में दो लाइंस होती हैं, टू मिडिल टू लाइंस में ग्रास लेटर राइट होते हैं। स्काई लेटर टॉप थ्री लाइंस में और ग्रास लेटर मिडिल टू लाइंस में, जो बीच में दो लाइनें होती हैं उसमें राइट होते हैं। सबसे पहले हमारा ग्रास लेटर है ए, ए, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एफ एंड जेड। भी हम काउंट करेंगे कितने ग्रास लेटर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितने ग्रास लेटर हैं हमारे पास? 14 ग्रास लेटर हैं। ये 14 ग्रास लेटर हैं। ये देखें आप, सारे मिडिल टू लाइंस में राइट हुए हैं, बीच की दो लाइनों में राइट हुए हैं। ए, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, जेड। दीज आर ग्रास लेटर। उसके बाद हमारे आते हैं रूट लेटर। रूट लेटर वो हैं जो बॉटम थ्री लाइंस में, हमने ऊपर की तीन लाइनों में भी सीख लिए, बीच की दो लाइनों में भी सीख लिए। अभी जो रूट लेटर है वो बॉटम थ्री लाइंस, नीचे की तीन लाइनें, नीचे की ये चार लाइनें, 1, 2, 3, 4, नीचे की तीन लाइन, ये नीचे की तीन लाइनें। सबसे पहले आता है जी, जी,
फिर जे, जी जे पी क्यू वाई, जी जे पी क्यू वाई, 1 2 3 4 5 5 रूट लेटर है। कितने रूट लेटर है? 5। अब फिर हम वापस अपना रिवाइज करेंगे। सबसे पहले स्काई लेटर, स्काई लेटर वो होते हैं जो ऊपर की 3 लाइनों में राइट होते हैं, बी डी एफ एच ए एल टी। उसके बाद हमारे आते हैं ग्रास लेटर, ग्रास लेटर वो होते हैं जो बीच की 2 लाइनों में आते हैं, बीच की 2 लाइनों में, ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स जेड, 14 ग्रास लेटर हैं। कितने ग्रास लेटर हैं? 14। देन उसके बाद हमारे आते हैं रूट लेटर, रूट लेटर में जो नीचे की 3 लाइनों में आते हैं, कहाँ आते हैं? बॉटम 3 लाइन में, जी जे पी क्यू वाई, कितने? 5 रूट लेटर्स हैं। कितने रूट लेटर्स हैं? 5 रूट लेटर्स हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।